हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम वॉलेटाइल ऑयल्स के किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? ऐसे ड्रग्स के बारे में जो वॉलेटाइल ऑयल कंटेन करते हों। तो फर्स्टली हम कौन कौन से ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में? हम डिस्कस करेंगे सिनेमन, केशिया बार्क, लेमन पील, ऑरेंज पील, लेमन ग्रास, सिट्रोनीला ऑयल एंड क्यूमिन के बारे में। स्टूडेंट, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली वीडियो जो हमारे वॉलेटाइल ऑयल्स की जो पिछली वीडियो थी, मतलब हमारा जो पार्ट टू था, उसमें हमने कौन कौन से ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में, देन ब्लैक पेपर, देन मेंथा ऑयल, देन कोरिएंडर एंड कार्डमम। तो अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, मीन्स पार्ट टू जिसमें हमने ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था एंड पार्ट वन जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था वॉलेटाइल ऑयल्स के, तो अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। एंड हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो विद फर्स्ट ड्रग्स। हमारा पहला ड्रग कौन सा है? सिनेमन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? सिनेमोमा जिलानिकम प्लांट से हमें ये ऑप्टेन होता है। तो फर्स्ट क्या है इसके सिनोनिम्स, कि इसके अदर नेम्स क्या हैं? फर्स्ट क्या है इसका? सिनेमन बार्क, देन कालमी दालचीनी एंड देन सेलोन सिनेमन। नेक्स्ट क्या है इसके बायोलॉजिकल सोर्स, कि हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो स्टूडेंट, ये जो हमारा सिनेमन है, ये क्या है? जो हमारे सिनेमोमम जलानिकम जो प्लांट होते हैं, उसके जो कॉपीज ट्रीज होते हैं, उनके इनर बार्क, जो शूट का जो इनर बार्क पोर्शन होता है, जो कॉपीज ट्रीज के जो शूट होते हैं उनका जो इनर बार्क होता है इनसाइड वाला, तो उसमें उसके ड्राइड इनर बार्क होते हैं, वो शूट के ड्राइड इनर बार्क होते हैं। कौन? हमारे सिनेमन। तो जो स्टूडेंट, ये जो हमारे सिनेमन होते हैं, जो इनर बार्क होते हैं कॉपीज ट्रीज के जो शूट का पार्ट होता है उसके इनर बार्क होते हैं, जो कौन से प्लांट्स हमें मिलते हैं? सिनेमोमम जिलानिकम। ये क्या कंटेन करते हैं? वॉलेटाइल ऑयल कंटेन करते हैं, और इसमें 1% वॉलेटाइल या उससे ज़्यादा होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? थर्ड हमारी फैमिली। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लॉरासी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इसका अपीयरेंस क्या है। तो फर्स्टली इसके कलर पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका जो आउटर सरफेस होता है वो डल येलोइश ब्राउन कलर का होता है, एंड जो उसका इनर सरफेस होता है वो डार्क येलोइश ब्राउन का होता है। नेक्स्ट आते हैं उसके ऑर्डर पर, ऑर्डर कौन सी होती है? फ्रेग्रेंट। नेक्स्ट आते हैं इसके शेप पर। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया, एज आपने डाइग्राम में भी देखा होगा कि वो उसका शेप क्या था, वो कैसे शेप के थे, क्विल शेप में थे, और उसमें सिर्फ एक सिंगल क्विल नहीं थे, वो कंपाउंड क्विल्स के शेप में थे। तो ये कैसे फाउंड होते हैं, हमें कैसे प्रोवाइड होते हैं? जो कंपाउंड क्विल के फॉर्म में हमें ये ऑप्टेन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके साइज पर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 mm इसकी लेंथ होती है, एंड 1 mm इनका डायमीटर होता है, एंड 0.5 mm इनकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट क्या है? इनका टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो एरोमेटिक होता है एंड स्वीट होता है, बट ये वार्म सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है, वार्म सेंसेशन भी देता है। नेक्स्ट आते हैं इसके फ्रैक्चर्स पे। तो स्प्लिंटरी इसका फ्रैक्चर है। नेक्स्ट आते हैं इसके सरफेस पे। तो स्टूडेंट, जो उसका आउटर सरफेस होता है, वो जब हमारे बार्क या सिनेमन बार्क, उसका जो आउटर सरफेस होता है वो वेवी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस होती हैं, एंड उसमें स्मॉल होल्स होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो स्कार्स की वजह से होते हैं। वो स्कार्स क्यों होते हैं? स्कार्स कैसे मिलते हैं हमें? वो ब्रांचेस जिससे वो अटैच होते हैं, उनके ब्रांचेस से ये स्मॉल होल्स होते हैं। नेक्स्ट, जो कहाँ होते हैं? जो हमारा आउटर सरफेस होता है बार का, उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड जो उसका इनर सरफेस होता है उसमें कोई भी होल्स या पोर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस होती है, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? तो इसमें स्टूडेंट, बहुत सारे एसेंशियल
कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्या प्रेजेंट होता है, वॉलेटाइल ऑयल कितने परसेंट पे, 0.5 to 1% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोबिओटेनिन जो 1.2% प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सिनेमन ऑयल होता है उसमें वैरायटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिनका कलर येलो टू रेड होता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट क्या होता है, सिनेमल्डिहाइड जो कितने प्रेजेंट होता है, 60 to 70% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, यूजिनॉल जो 5 to 10% होता है। नेक्स्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड नेक्स्ट क्यूमेनल्डिहाइड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके यूजेस पे, किसे यूज़ क्यों किया जाता है, इसके मेडिसिनल पर्पस क्या है यूज़ करने का। सो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, इनरिच होते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ में, कार्बोनेटियो स्टोमैचिक एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट में क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें हाईली इनरिच होते हैं, तो इसीलिए इनका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इज एज एन फ्लेवरिंग एजेंट, स्टिमुलेंट, एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके अडल्ट्रेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो फर्स्ट कौन सा अडल्ट्रेंट है, जंगल सिनेमन। तो स्टूडेंट इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जंगल मींस ये वाइल्ड एरियाज से बिलोंग करता है। तो जो इस पार्ट में ये जो सिनेमन होते हैं इसका जो सोर्स होता है वो वाइल्ड ट्री से हमें बिलोंग करता है, ये इसका जो सोर्स है वो वाइल्ड ट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होते हैं, डार्क कलर्ड के होते हैं एंड ये लेस एरोमेटिक होती है, जो इनका टेस्ट होता है वो लेस एरोमेटिक होते हैं देन दी कल्टिवेटेड ट्रीज, जो हमारे कल्टिवेटेड ट्रीज होते हैं उसके कंपैरिजन में जो इनका टेस्ट होता है वो लेस होता है एरोमेटिक एंड बिटर भी होते हैं, स्लाइटली बिटर होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे कल्टिवेटेड ट्रीज। नेक्स्ट क्या आते हैं, सिनेमन चिप्स। तो स्टूडेंट ये हमें कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, जो हमारे जंगल सिनेमन होते हैं वो हमें वाइल्ड ट्री से ऑप्टेन होते हैं, लेकिन ये जो सिनेमन्स होते हैं वो अनट्रिम्ड बाग से हमें ऑप्टेन होते हैं। ये जो पीसेस होते हैं सिनेमन चिप्स मींस चिप्स के फॉर्म में होते हैं, पीसेस के फॉर्म में होते हैं, तो ये हमें कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, जो हमारे अनट्रिम्ड बाग होता है उससे ऑप्टेन होते हैं। एंड ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं कैसे, ऑथेंटिक ड्रग से, एज ये क्या करते हैं, क्या शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉर्क सेल, ये क्या शो करते हैं, जो लार्ज कॉर्क सेल होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी की वजह से इनकी जो ये प्रॉपर्टी है उसी की वजह से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑथेंटिक ड्रग्स। नेक्स्ट आते हैं साइगन सिनेमन्स के बारे में, ये क्या है, ये अडल्ट्रेंट है। तो इसके बारे में ये हमें कहाँ से बिलोंग करता है, सो ये कौन से प्लांट से बिलोंग करता है स्टूडेंट, सिनेमोमम लॉरेरी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे सिनेमोमम लॉरेरी प्लांट है उसके बार्क से हमें ये ऑप्टेन होता है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये था हमारा थर्ड अडल्ट्रेंट। अब फोर्थ अडल्ट्रेंट कौन सा है, जावा सिनेमन। तो स्टूडेंट ये हमें कहाँ से बिलोंग करता है, ये कौन से प्लांट से हमें मिलता है, तो हमारा सिनेमोमम बर्मैनी जो प्लांट है उसके हम बार्क से हमें ये ऑप्टेन होता है, जो कि इस फैमिली से बिलोंग करता है, अगेन ये भी लॉरेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो इसे अदर सबसे जो हमारे अदर अडल्ट्रेंट है उनसे अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, तो इसके जो बार्क होते हैं स्टूडेंट वो पील्ड होते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया था दैट आर अनपील्ड, लेकिन इसके जो बार्क होते हैं वो पील्ड होते हैं एंड ये डबल क्विल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, लेस एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे इस जो प्लांट के जो मेडुलरी रेज होती है स्टूडेंट वहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं, किसके, स्मॉल ट्यूबुलर क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के जो हमारे सिनेमोमम जिलानिकम प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो स्पीशीज़ है सिनेमोमम जिलानिकम उसकी स्पीशीज़ में फाउंड नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये इस अडल्ट्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। जिस प्लांट से ये बिलोंग करता है, जो हमारा अडल्ट्रेंट है जावा, वो जिस प्लांट से बिलोंग करता है उसकी जो मेडुलरी रेज होती है उसमें स्मॉल ट्यूबुलर क्रिस्टल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये भी इस तरीके से ये भी क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्या होते हैं, ये 75% सिनेमल्डिहाइड कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारा,
केशिया बार्क। तो ये जो केशिया बार्क है स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये क्या है, सिंगल क्विल है। तो ये किस प्लांट से बिलोंग करते हैं, सिनेमोमम केशिया प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट इसके सिनोनिम्स, तो ये इसके सिनोनिम्स क्या है, चाइनीज सिनेमन, केशिया सिनेमन। नेक्स्ट ये आते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, ये क्या है, ये ड्राइड स्टेम बार्क है। कौन से प्लांट के, सिनेमोमम केशिया प्लांट के। नेक्स्ट फैमिली, अगेन ये भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लॉरासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब फोर्थ डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट क्या है इसका कलर, तो इसका कलर जो है वो डर्टी ब्राउन है, और इस पे इसके जो दोनों सरफेस होते हैं उन दोनों सरफेस पे सेम ही कलर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है इसका ऑर्डर, क्या ऑर्डर है इसका, कैरेक्टरिस्टिक स्वीट एंड एरोमेटिक। नेक्स्ट थर्ड क्या है, टेस्ट, तो स्लाइटली स्वीट एंड एरोमेटिक इनका टेस्ट आते हैं। अब शेप में क्या है, सिंगल क्विल्स, एज मैंने आपको बताया स्टूडेंट वो क्या होते हैं, सिंगल क्विल होते हैं। लेकिन जो हमारे पिछले जो हमारा सिनेमन बार्क था, सिनेमन था, वो किस में था, वो उसमें जो क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड क्विल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंगल क्विल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके फ्रैक्चर्स पे, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ग्रैनुलर प्रेजेंट होता है आउटर पार्ट पर, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेइश पैचेस प्रेजेंट होते हैं। कौन से पार्ट पे, कॉर्क पार्ट पर, लेकिन ये ओकेजनली होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा केशिया बार्क है वो 1-2% वॉलेटाइल ऑयल कंसिस्ट करता है, यील्ड करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, और क्या कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, 80% सिनेमाइल एसीटेट होते हैं। नेक्स्ट सिनेमिक एसिड, काइरोफाइलिन, फिनाइल प्रोपाइल एसीटेट, ऑर्थोक्यूमेरिन अल्डिहाइड, क्यूमेरिन, टैनिक एसिड एंड स्टार्च, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें क्या एबसेंट होता है, यूजिनॉल, ये इसमें क्या होता है, केशिया बार्क में एबसेंट होता है, जो कि सिनेमन बार्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या आते हैं इसके यूजेस पे, कि क्यों यूज़ किया जाता है एज एन मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्या है इसमें। सो क्या है इसमें, कार्मिनेटिव स्टिमुलेंट एंड एज एन फ्लेवरिंग एजेंट भी ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेमन पील। तो स्टूडेंट ये कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, कौन से फ्रूट से बिलोंग करता है, सिट्रस लिमोन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्टली क्या है इसके सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स क्या है, फ्रक्टस लिमोनिस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके, कहाँ से हमें मिलता है, तो ये जो हमारा लेमन पील है वो हमें फ्रेश राइप फ्रूट से मिलता है, किसके, सिट्रस लिमोन के। नेक्स्ट क्या है थर्ड, इसकी फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रूटेसी। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है लिमोनिन, नेक्स्ट एस्पिरिडिन, नेक्स्ट पेक्टिन, नेक्स्ट सिट्रोल, नेक्स्ट क्या है जिरानिल एसीटेट, नेक्स्ट क्या है टर्पिनियोल। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है इसके यूजेस, यूजेस में क्या है इसके, कैसे एज एन मेडिसिनल पर्पज हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, एज एन स्टिम्युलेंट एंड कार्मिनेटिव हम इसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज पील के बारे में, किस फ्रूट से मिलता है, सिट्रस ओरेंटियम फ्रूट से हमें मिलता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो फर्स्ट सिनोनिम्स क्या है इसके, सिट्रस वल्गैरिस, सिट्रस बिगोराडिया। नेक्स्ट सेकेंड क्या है इसके, बायोलॉजिकल सोर्स, हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे सिट्रस ओरेंटियम है उसके जो पेरिकार्प होता है उसके आउटर ड्राइड आउटर पार्ट से हमें ये ऑरेंज पील प्रोवाइड होता है। ये क्या होता है, उसका ड्राइड आउटर पार्ट होता है पेरिकार्प का, किसके पेरिकार्प का, जो हमारे सिट्रस ओरेंटियम है उसके पेरिकार्प का ये क्या होता है, ड्राइड फ्रेश आउटर पार्ट होता है ऑरेंज पील। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, फर्स्ट इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से हैं, हेस्पिरिडीन, आइसोहेस्पिरिडीन, नियोहेस्पिरिडीन, विटामिन सी, लिमोनिन, ओरेंटियमेरिन, ओरेंटियमेरिन एसिड दैट इज अ बिटर ग्लाइकोसाइड एंड सिट्रल।
नेक्स्ट आते हैं इसके फिफ्थ यूजेस पे, कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, किस किस तौर पर इसके यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एज एन एरोमेटिक, स्टोमैटिक, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेमन ग्रास ऑयल। तो स्टूडेंट ये जो हमारा लेमन ग्रास ऑयल है ये कहाँ से मिलता है हमें, कहाँ से प्रोवाइड होता है, किस प्लांट से मिलता है, तो ये हमें सिम्बोपोगन सिट्रेट एंड सिम्बोपोगन फ्लैक्सुएसिस प्लांट से हमें ये ऑप्टेन होता है। उनके जो एरियल एंड लीफ पार्ट होते हैं उनसे हमें ये ऑप्टेन होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट क्या है इसके सिनोनिम्स, तो इसके और किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट है ईस्ट इंडिया लेमन ग्रास, नेक्स्ट क्या है मालाबार, नेक्स्ट क्या है कोचिन लेमन ग्रास, नेक्स्ट सेकेंड इसके क्या है बायोलॉजिकल सोर्स। एज मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारे जो प्लांट है सिम्बोपोगन फ्लैक्सुएसिस एंड सिम्बोपोगन सिट्रेट्स, इनका जो लीव एंड जो एरियल पार्ट होता है इस प्लांट का, वहाँ से हमें जो हमारा लेमन ग्रास ऑयल है वो ऑप्टेन होता है। ये क्या है इसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है इसकी फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामिनी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है सिट्रल, नेक्स्ट क्या है निरोल, नेक्स्ट क्या है सिट्रोनीला, नेक्स्ट क्या है मिथाइल हेप्टिनॉल, नेक्स्ट क्या है जुरानियोल, नेक्स्ट क्या है डाइपेंटीन, ये सारे क्या थे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। अब फिफ्थ आते हैं इसके यूजेस पे, तो इसका एज एन मेडिसिनल पर्पस यूज़ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है, जो हमारी प्रिपरेशन होती है, उसमें एज एन फ्लेवरिंग एजेंट भी ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो स्टूडेंट एज हमने आपको बताया कि जो हमारे सिम्बोपोगन सिट्रेट प्लांट से जो हमारे ये ऑप्टेन होता है, तो इसमें इससे ये क्या है, इससे क्या प्रिपेयर होता है, बीटा आयोनिन प्रिपेयर्ड होता है। एंड जो विटामिन ए का जब हम सिंथेसिस करते हैं तो ये एज एन स्टार्टिंग मटेरियल, जिसका स्टार्टिंग मटेरियल ये यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सिट्रोनीला ऑयल के बारे में। तो स्टूडेंट ये जो हमारा सिट्रोनीला ऑयल है ये हम कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, सिम्बोपोगन नैडस प्लांट से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। फर्स्टली क्या है इसके सिनोनिम्स, किसे किस नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट क्या है सिट्रोनीला ग्रास एंड नैरडस। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये जो ऑयल जो हमें सिट्रोनीला ऑयल मिल रहा है, जो ऑप्टेन हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा ऑयल है वो हमें स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोवाइड होता है। किसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं हम, जो हमारे सिम्बोपोगन नार्डस जो प्लांट है उनकी जो फ्रेश लीव्स होती है उसका जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें सिट्रोनीला ऑयल प्रोवाइड होता है, ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट क्या होते हैं इसकी फैमिली, तो ग्रामिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट फोर्थ डिस्कस करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, तो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सिट्रोनीला ऑयल में, तो क्या है सिट्रोनेलिक एसिड, जुरानियोल, निरोल, सिट्रल, बोर्नियोल, कैम्फीन, सिट्रोनीलोल, सिट्रोनीलल, डाइपेंटीन एंड लिमोनिन, ये सारे क्या हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस पे, कि इसे यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से, एज एन फ्लेवरिंग एजेंट इसे यूज़ किया जाता है, एंड सोप की प्रिपरेशन में एज एन परफ्यूम के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, एंड जो हम जो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होती है उसकी प्रिपरेशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्यूमिन के बारे में, तो स्टूडेंट क्यूमिन जिसे हम हमारी नॉर्मल भाषा में उसे ज़ीरा भी कहते हैं, ये कौन सी प्लांट से बिलोंग करता है, क्यूमिनम काइमिनम प्लांट से ये बिलोंग करता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है इसके सिनोनिम्स, कि हमें कहाँ इसके अदर नेम्स क्या हैं, जीरा एंड क्यूमिन फ्रूट। नेक्स्ट आते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये क्या होते हैं, ये ड्राइड ड्रिप्स फ्रूट्स होते हैं, किसके क्यूमिनम काइमिनम प्लांट के। नेक्स्ट क्या है इसकी फैमिली, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली क्या है, अमली फेरी। नेक्स्ट क्या है फोर्थ, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्टूडेंट ये जो हमारे क्यूमिन
फ्रूट्स हैं वो वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स ऑयल, प्रोटीन, ये सब कंसिस्ट करता है। तो कितनी क्वांटिटी होती है, इसका अमाउंट क्या होता है? तो जो ये वॉलेटाइल ऑयल जितना इसमें प्रेजेंट होता है वो 2.5 to 4% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो फिक्स्ड ऑयल है वो 10% इसमें प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके जो वॉलेटाइल ऑयल इसमें जो प्रेजेंट होता है उसमें मेनली क्या होता है। जो वॉलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है, हमने बताया वॉलेटाइल ऑयल फिक्स्ड ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है इसमें, उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, वो क्या कंसिस्ट करता है वो वॉलेटाइल ऑयल? तो ये जो हमारा वॉलेटाइल ऑयल है वो 30 to 50% क्यूमिन एल्डिहाइड कंसिस्ट करता है एंड जिसकी स्मॉल क्वान्टिटीज में और क्या कंसिस्ट करता है, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, फिलैंड्रीन, क्यूमिनिक अल्कोहल, हाइड्रेट क्यूमिन एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्यूमिनिन, ये सब क्या स्मॉल क्वांटिटीज में इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटीज में कंटेन करता है इन्हें। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस पे। तो इसे यूज़ क्यों किया जाता है? तो एज एन कार्मिनेटिव स्टिमुलेंट एंड डायरिया के ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपका हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। एंड स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं तो हमें आप डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।